हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो यहाँ पर देखिए फाइनली स्कूटी हमने ले लिया था और किस कलर का है, एकदम नेवी ब्लू कलर का। और इसका कैसा लग रहा है आपको? हाँ। तो आप चलाना सीख जाओगे। और यहाँ पर देखिए इस भैया चाबी यही दे रहे हो क्या? नहीं। ये चाबी कहाँ लगेगा? ये चाबी होता है फोटो खिंचाने के लिए। मेरा सपना है कि मैं जब कार लूँ तो मैं भी जाऊँ ऐसे फोटो वगैरह खिंचाऊँ। अभी छोटे छोटे कदमों पे चलेंगे तब बड़ी मंजिल मिलेगी। तो यहाँ पर अभी नेम प्लेट वगैरह नहीं मिला है, बाद में मिलेगा, 4 दिन बाद आएगा। अभी हम इसको ले जाएंगे घर पर और पंडित जी से पूजा कराएंगे। और इसको कुछ कहना चाहते हो? नहीं। अभी हम सोची कि ये छोटा सा इनका ना है, बहुत बड़ा शोरूम है तो यहाँ पर जैसे थोड़ा बहुत लगा कर पीस लगा रखे हैं कि लोग जाकर वहाँ से भी ले लेते हैं, यहाँ से भी ले लेते हैं। और मेरा नज़दीक था इसलिए मैं यहाँ। इनका गोदाम जो है खानपुर में है और ये छोटा सा दुकान इन्होंने खोल रखा ताकि जो अगल बगल के हैं वो ज़्यादा दूर ना जाए, हमारे पास ही आ जाए। सोचो कितने घंटे हो गए आए हुए। पहले आ रही स्कूटी की चाबी मिल गई। सीधा पकड़ो उल्टा पकड़ियो। बहुत सारे खड़ी हुई है। चलिए अभी घर पर लेकर चलते हैं, जैसा भी होगा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, खूब प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए पति देव कंग्रेचुलेशन आपको भी। आपको भी ऋषभ। तो यहाँ हम लोग ले लिए हैं, अब चलते हैं अपने अपने। इसको चला के ले जा सकते हैं आप? बिल्कुल चल रहे। चलो यहाँ दौड़ा के ले जा सकते हैं, चला के क्या? मेरे को तो चलाने आता ही नहीं है। चलो चलिए, हो गया, उनको मिल गया, मिलते हैं घर को। फाइनली हम सब पर देखिए स्कूटी से घूम रहे हैं। तो आप लोग भी एक बार जयकारा लगा दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी। तो यहाँ पर हम लोग पहले जा रहे हैं और पेट्रोल फुल करवा देते हैं। बहुत खुशी की बात है जब हम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पेट्रोल पंप पे आ गए हैं। बाप रे भीड़ है बहुत, काफ़ी। ओहो लाइन लगा है उधर जाए। अरे रुक रुक रुक, चलो यहाँ पर गाइस देखिए यहाँ पर आ गए हैं। पंडित जी नहीं है क्या? वो काम गए हुए हैं अंकल, तभी आजकल ठीक नहीं रहे हैं। आज नहीं तो बड़ा काम इधर से सब करो, उधर से कवर स्टे करना पड़ेगा। ये हमारा बच रहा था, पूजा होने के बाद ये है पूजा हो रहा है, नई सामान आता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? स्वास्थ्य दूर से शुरू करो, इसको नहीं शूट करने आ रहा है, खुद लाती रहती है। एक अपने से होती है तो इसको चालू कर देते हैं। भैया बोल रहे हैं चालू कर दो, मंत्र मंत्र को बढ़िया पढ़ दीजिएगा। चालू कर दिए हैं। ये सब कुछ करना मत, मेरी गाड़ी भाग जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं भैया पंडित जी हैं, स्वास्तिक बना रहे हैं, ये त्रिशूल बना रहे हैं, ये त्रिशूल बन रहा है। और टीका
सोनाक्षी भी रक्षा बांध से उल्टे हाथ में बना जाता है ना, लेकिन मैंने सीधे हाथों में बनाया। वो दे दो मीठा था, निकाल दी मिठाई दे दो, मिठाई दे दो, फूल माला दे दो, नींबू दे दो। ऋषभ नीचे उतरो, उसको एक्सीलेटर लेगा तो भाग जाएगा ना। पहले महादेव को भोग लगेगा, उसके बाद सब में बटेगा ना जी। हर हर महादेव, हमारे महादेव, आप सबके महादेव। कोई पन्नी नहीं है क्या? अब यही करने हैं, कहाँ जाए देने?
करी सोलर अच्छा दे दो इन लोग को दे देते हैं इसे दे दो प्रसाद अंकल मांग लेते हैं दो दे देते हैं के पानी पानी पकड़ियो पंडित जी की दक्षिणा दे दो मोनू आ रहा होगा भी उसको भी देना है हाँ चलो दे देना वो अलग ही चिल्लाने लगे तो यहाँ हमने सबको प्रसाद बांट दिया है जो रह गए हैं उनको भी कल भी देना हमारे घर के बगल में थे उन्होंने बोला दे दो लेकिन थोड़ा लेट हो गया जिसकी वजह से दुकान बंद करके चले गए हैं अब पंडित जी को हम सोनाक्षी ऋषभ सब लोग क्यों नहीं आती वाले टाइम पे होती है आरती के बाद करवाए हैं हरिद्वार नहीं गया लग रहा है हरिद्वार जाओ तो दादा जी हमसे पहले करा रहे थे दिन से पहले अरे आप तो कभी जब लाओ तो सीधा वहीं ले जाता मैं तो सीधा नहीं लेगा उसके हाथ पूरे रखे मैं इसको दो ही मम्मी को पकड़ा के जाओ इनके मम्मी को पकड़ा कर दे दीजिए ये लीजिए इसमें धन्यवाद वाली बहुत बधाई बहुत बधाई लो भैया तुम भी सीख लेना साक्षी इसको हाँ 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 साक्षी सोनाक्षी मैंने लड़की को कन्या साक्षी है ये साक्षी वहाँ कन्या को ना दारे पंडित जी चलो जा मिठाई खा लो जी किस खुशी का है जी अरे बाइक स्कूटी लिए है आने जाने के लिए आपने लिए है आपके क्षेत्र में नया सदस्य आया परिवार आया है वो भी हमारे घर का एक परिवार हिस्सा है वो भी आपने लिए है अभी नहीं अभी थोड़ा सा टाइम है गाड़ी में एक आध हफ्ता ब्लॉग बना के बोलती रहे तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं पैसा तुम्हें मिल रहा है थोड़ा ना मिल रहा ऐसा थोड़ू ना है हमें तो करवा नहीं रही हूँ तुम क्या करवाए गाइस इनको इनको भी सपोर्ट करिए देखिए फोन ही नहीं है मेरे पे तभी तो करे सपोर्ट करो फोन दे दो गाइस मेरे को दो फोन दे दो बस ज्यादा मेहनत करो फोन भी मिल जाएगा मेहनत करो अच्छा गली के अंदर भी आ गए चलो ठीक है चलो इतने में हम सब बांट लेंगे प्रसाद है फिर जिसको लेके कल आ जाएगा हे गाइस ये देख सकते हैं घड़ी में कितने बज गए 12:05 तो होने वाले पाँच मिनट होने और हैप्पी बर्थडे वंदना जी थैंक यू 12:00 ये पागल ज्यादा है क्या हैप्पी बर्थडे मम्मी थैंक यू सबसे पहले मैंने एकदम राइट टाइम पे बोला उससे पहले वंदना जी को विश भी किया था और जैसे ही 12:00 देख सकते हैं 12 यहाँ पे बजा हुआ है दिखा दो जूम करके ऋषभ नहीं बोल रहा नाराज है क्या ऋषभ क्या सोच रहे हो क्या अरे यार मैंने पार्सल मंगाया था देखो देखो मजा मैंने गाइस मम्मी को सरप्राइज देने के लिए किट्टो मौसी आई है तो मैं बोल रही हूँ पार्सल आया था मुझे अभी 12:00 गया था अभी क्या है कुछ ही था जाना चलो कैसे हो दमदम हम लोग खाना खा रहे थे हैप्पी बर्थडे थैंक यू वो केक लेकर अभी हम काम करके उठ रहे हैं क्यों कपड़ा धोना था ना एकदम 12 जैसे बजा घंटी जैसे गेट के पास खड़ी हुई थी क्या है फालतू खाना बना वो लोग सुबह आएंगे इतना खाना बना दियो क्या हो और सबसे पहले विश किसने किया सबसे पहले जूली का नहीं सबसे पहले मेरी दोस्त ने किया था थैंक यू सब उससे पहले मैंने किया था नहीं 12 जैसे बजा वैसे ही पेड़ बजाया लेकिन अच्छा 12:00 में 1 मिनट बाकी था ये बोले तुम जाओ यहीं से उतर के चली जाओ कहाँ जाइयो
यही बाहर ही उतरे हैं। सोनाची गए कोरिया, गेट खुला है सोचो। कहाँ? ये अपना ला? नीचे का। हाँ तो अभी सब सो आएंगे, वो लोग गए हैं, वो कहीं बाहर गए, नीचे हमें लगा गेट बंद जाएगा तो फिर तुमको फोन करना। अरे तो मुझे कर देती ना। नहीं चलो, अच्छा जा खाना खा लो, अभी हम लोग खा ही रहे हैं। बोलो हैप्पी बर्थडे। ये लोग केक ऑर्डर करने जा रहे थे, हम भी जाने थे। फालतू क्या केक काटे हैं, हमारे वहाँ का केक अच्छा होता है ना। अच्छा दे दो। थैंक यू तुम्हारी। कृति मासी को बोलो हैप्पी बर्थडे। वो तो ऐसे ही चढ़ी। क्या दू? क्या दू? कहाँ गए? छोटी नहीं हूँ मैं। मशरूम मटर सब्जी रोटी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मौसी। मासी मोनिका जी का फोन आ रहा है। हैप्पी बर्थडे। अब सब लोग केक काट रहे हैं तो उठाते हैं अभी थोड़ी देर में। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे सुनाची क्या बात है, इतना कम बहुत सारी हो गई। तू तो जबरदस्ती मोहन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे का लगा ऐसे ही होना चाहिए। ये होता है असली बर्थडे। तब तो लगेगा कि बर्थडे है ना। मुंह आ रही थी खाने के लिए, हमें क्या मालूम है। अरे तुम करोगे रोते हुए चेहरे को दुनिया की तो हंसा दिया। अरे मेरा मसाज हो रहा है ना चेहरे का। हैप्पी बर्थडे। माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर। ऐसे चाट रहा, देखो ऐसे। इतना भी इसके बर्थडे में नहीं लगा होगा मामा के बने। चाट लो, चाट लो। नहीं देखिए ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अरे कृतिक अपना मुंह देखो पहले। कृतिक ऐसे कर लो। ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा हो गया है जी ये तो। ये देख इसको पता है, सब पता है इसको, सब नॉलेज है। अब पता है कि अरे ना उधर हम क्या कर रहे हैं। अभी कैसे तीसरी नजर देख रहा है, क्या है? ऐसे ऐसे ताली पीटी, ताली पीटी सब। चलो चलो चलो। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे है वेलकम सेलिब्रेशन का। चलो बन्ना जी आशीर्वाद। हां बाबा के रूप में। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जब तुम रहती थी बहुत केक करता था इस घर में, बहुत हर महीने केक काटता। जब देखो तब केक ही काटते थे। तू कभी काट दिन रोज काट रहे थे? अभी का रोज केक काट रहे थे? केक ही काट रही कोई त्योहार? अरे कभी कुछ कभी कुछ, कभी 1 लाख हो गया, कभी 1 मिलियन हो गया। ये लोग बोलती है लेकिन हमें ना पता नहीं। 25-50 सब काटे थे ना लोग। तैयार हो ही काट रहे थे। तैयार हो हम लोग, तैयार कर रहे तब तो तैयार हो गया। एक बार तो मैं साड़ी पहन के आ गई थी। अपना ही भाई यहाँ पे जा रहे हैं देवर। बहुत दूर से आए केक खिलाने। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि सब लोग आए। अरे मम्मी का एक आ गया। अरे सोनाची नहीं खाई, क्या लग रहा है केक? मेरा बर्थडे नहीं है। अरे आज से 1 महीना सोनाची का बर्थडे है। आज के ही दिन है सोनाची का। ले ले मुंह देख रहा है यार। लेकिन जानते सोनाची का बर्थडे मंगलवार को पड़ेगा। बजरंग बली सोमवार को हम लोग का व्रत रहेगा, मंगलवार को बर्थडे। बर्थडे 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 इसको दिख रहा है। यूट्यूब आप लोग के लिए भी गाइस, लीजिए खा लीजिए आप लोग भी। अरे इधर भी गाइस हैं, को लाइक करेंगे, अन्य को लाइक करेंगे, इस केक को लाइक कर दीजिए। देखिए वंदना जी दोस्तों, ये किट्टो ने प्लान किया कि नहीं चलते हैं। दीदी बहुत इमोशनल है, बहुत रो रही है। देखो बर्थडे किसका है, इनकी कैसे एकदम देवर ने खेला बर्थडे भौजाई का। तुम लोग एमपी लंपी भैया रहते थे तो ऐसे ही खेलती थी। नहीं देखो अरे उसमें सब लोग ये बोल ही नहीं पा रहे। देखो सही है ये गाइस, देख सकते हैं आज यहाँ पर मेरा समी पत्ता सूख गया था तो मैं लगवाई हूँ। और हो गया गिरी का तो नहीं है ठीक से? इसका देखो ऐसा बैठा है।
लड़का कितना हो गए। तो गाइस जैसा कि कल देखे होंगे वीडियो में, हम ढेर सारे इंजॉय किए, मस्ती किए और पति देव भी इधर बैठे हुए हैं और किट्टो, हाँ किट्टो भी इधर बैठी हुई है। लोग कह रहे कि बंदना सबका बेइज्जती करती है, बेइज्जती वाली बात थोड़ी ना होती है। इसमें तो हमको नहीं फील हुआ बेइज्जती मुझे, हमें लगता है कि हम पार्टी नहीं करेंगे अगर कोई हमें आकर अचानक से सरप्राइज देता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम वो चीज़ बोल देते तो लोग सोचते हैं कि तुम वो चीज़ हमको गलत में ले जाते हो। चलिए ठीक है, हम गलत है। तो जैसे कि अभी हमारी ननद का फोन आया था, मंदिर से आए थे, बात किए, उन्होंने विश किया और सुबह से ही लगातार ससुराल से ये भी किट्टो ने फोन करके, देवरानी ने फोन किया और इनके भाई का फोन नहीं आया, दीपक का, सबका फोन आया, कुछ लोगों का फोन नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों ने स्टेटस वगैरह लगाए हैं। ऐसा बात नहीं है, सबका फोन आया था। वैसे सासू माँ का भी कल फोन आया था, बोली है बधाई हो ना कि गाड़ी ले लिए हो, सबको हाँ। तो सब लोग कह रहे हैं कि वैसे बहुत सारे लोग का फोन आया है, बहुत सारे लोग का। जेठानी जी ने कॉल किया था? जेठानी जी ने कॉल नहीं किया था, लेकिन स्टेटस वगैरह लगाई है। कोई बात नहीं, बिजी होंगी इसलिए अभी तक नहीं आया, क्या पता शाम तक आई जाए, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो चलिए, अरे मेरा कहने का मतलब गलत कोई मत समझना कि जेठानी जी को नीचा गिरा रही। भाई ये ब्लॉगिंग करते हैं तो जो सही है वो बता रहे हैं, अभी तक नहीं आया है, क्या पता वो बिजी होंगी, शाम तक करेंगी, लेकिन स्टेटस वगैरह लगा चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। कोमल का भी फोन आया था, मेरी फ्रेंड का फोन आया था, बीने का फोन आया था, सबका आया था, लेकिन मायके से अभी किसी का नहीं आया, मायके से नहीं आया है। नहीं आ रहा था, बिंदी भाभी कह रहा तुमने उठाया नहीं, हम कहाँ थे, प्यार आ रहा था कुछ। अच्छा तो चलिए, मायके वाले का भी आया था, मुझे नहीं पता था, मायके से बीने नहीं है, ससुराल से मैं हूँ। हाँ तो चलिए, वाला ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।